गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मेनका गुप्ता बीएड फर्स्ट ईयर के इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय में स्रोत वीरी को लेकर आई हूँ। विश्वविद्यालय मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्र में एक लघुत्तरात्मक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न था कि स्रोत विधि के गुण और दो गुण और दो दोषों का वर्णन कीजिए। आज हम उसी पर आधारित या उसी बात को लेकर स्रोत विधि पर ही एक संक्षिप्त जानकारी हासिल करेंगे कि स्रोत विधि है क्या, क्योंकि हम उसके गुण और दोष की बात करते हैं। अगर उसी प्रश्न को लेकर बात करें तो दो गुण और दो दोष की बात करते हैं, तो उसके पहले हमारे लिए अनिवार्य है कि स्रोत विधि को समझा जाए, क्योंकि इतिहास शिक्षण में बहुत सारी विधियां हैं जिनके माध्यम से हम शिक्षण को प्रभावी और रोचक बना सकते हैं। उनमें एक विधि है स्रोत विधि, यानी कि स्रोत क्या है। स्रोत वे साधन हैं या वे माध्यम हैं जिनके द्वारा इतिहास के इतिहास की रचना की जाती है सप्रमाण, यानी कि प्रमाणों के आधार पर इतिहास की रचना की जाती है। स्रोत ये वे माध्यम हैं जो इतिहास की रचना करने में प्रमाणों को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं या ये साक्ष्य के रूप में हमारे सामने होते हैं। हमें जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, हमें बहुत जगह इसके अवशेष प्राप्त होते हैं। खुदाई से प्राप्त होने वाले अवशेषों के आधार पर हम हमारे इतिहासकार इस निर्णय पर पहुंचते हैं या ये कह सकने में सक्षम होते हैं कि तात्कालिक सामाजिक जीवन कैसा था, उस समय किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्थाएं थी, कौन कौन सी कृषि की कौन कौन से उत्पादनों का उत्पादन वहाँ पर किया जाता था। तो ये सब हमें इसकी जानकारी हमें कहाँ से होती है, ये खुदाई से प्राप्त होने वाले इन्हीं अवशेषों के माध्यम से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। अब स्रोत केवल खुदाई से प्राप्त होने वाले अवशेषी स्रोत नहीं होते हैं। तो स्रोतों के बारे में अगर हम देखें तो स्रोतों को तीन भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से हैं? पहला है भौतिक स्रोत। भौतिक स्रोत यानी कि जिनमें कोई वस्तु हो जिसको कि हम छू कर देख कर समझ सकते हैं। अब ये कौन सी हैं? जैसे विभिन्न खंडहर, जैसे बहुत सारे राजमहल हैं, बहुत सारे दुर्ग हैं, मंदिर हैं आदि क्या हैं, स्तूप वगैरह जो हैं, ये उन खंडहरों में आते हैं जो कि तात्कालिक समाज सभ्यता या उसकी वर्णन तात्कालिक वंश की हमको का वर्णन हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं या उस समय कैसी व्यवस्थाएं थी उसके प्रमाण हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद में है सिक्के, विभिन्न प्रकार की सिक्के हैं, प्रतिमाएं हैं, तात्कालिक वेशभूषाएं हैं, मतलब वस्त्र आदि हैं। ये सब क्या है? ये उस समय के बर्तन हैं और जो खुदाई में प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के अवशेष हैं जिनके माध्यम से हम, ये वो भौतिक संसाधन हैं जिनके माध्यम से हम तात्कालिक इतिहास के बारे में वर्णन कर पाते हैं, यानी कि ये वो स्रोत है। दूसरा स्रोत है मौखिक रूप में, यानी कि जो कि मौखिक रूप में बताई जाने वाले स्रोत हैं। कहानियां हैं, गीत है, दंत कथाएं हैं जो कि हमारे वो मौखिक स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम तात्कालिक इतिहास के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। और तीसरा है लिखित स्रोत। लिखित स्रोत यानी कि कोई ग्रंथ है, महाकाव्य है, कोई जैसे वेद है, निषद है, रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ हैं, ये महाकाव्य हैं जिनके माध्यम से, ये वो लिखित स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम तात्कालिक व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इसके बाद में स्रोतों की जो है इनका, इन स्रोतों का हम शिक्षा में कैसे, क्योंकि स्रोत विधि हम बात कर रहे हैं कि इतिहास शिक्षण में स्रोत विधि, तो स्रोत विधि जब शिक्षण कार्य में हम इन स्रोतों का उपयोग करते हैं तो फिर वो कैसे इन स्रोतों का उपयोग कर सकता है एक शिक्षक, क्योंकि किसी भी विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए यदि कोई प्रमाण अगर छात्र के सामने रखे जाए या प्रत्यक्ष अनुभव जब छात्र को कराया जाए तो उसका ज्ञान बालक को बहुत जल्दी हो पाता है या वो बहुत जल्दी उस चीज को समझ
पाता है। इसीलिए बात यहाँ आती है कि शिक्षा में इनका प्रयोग कैसे किया जाए। तो सबसे पहली बात है पुस्तकालय के में पूरक अध्ययन के रूप में, यानी कि पुस्तकालय में शिक्षक जाएगा, शिक्षक चाहे छात्र है, जो कुछ भी पढ़ाया गया है उससे संबंधित अतिरिक्त जानकारी के लिए, जैसे हम उठाते हैं कि आज इस समय की अगर हम 6, 7, 8 की किताबों को देखते हैं जिसमें मुगल वंश जैसे दे रखा है, अब मुगल वंश की जानकारी दे रही कि एक छोटे से चैप्टर में पूरे मुगल वंश के समस्त शासकों को संकल रख के और समझाया गया है, तो वो एक संक्षिप्त जानकारी बालक को प्रदान करती है। अगर बालक को अधिक, अब जब हम कहते हैं कि बालक अकबर ने ये काम किए, अकबर ने वैसे काम किए, अकबर एक समाज सेवक शासक था, जब बहुत सारे अकबर को महान कहा जाता है, बालक इस चीज को वेरीफाई करने के लिए या इस चीज की वास्तविकता की जांच करने के लिए कहाँ जाएगा, वो स्रोत ढूंढेगा। अब वो स्रोत कहाँ मिलेगी, हमें पुस्तकालय, पुस्तकालय में जाकर बालक उसके बारे में सही सही जानकारी एकत्रित या सूचनाएं एकत्रित कर सकता है। दूसरा है स्रोत या संदर्भों को कक्षा में प्रस्तुत करके, अब वो कैसे चार्ट्स, मॉडल्स आदि के माध्यम से बालक के सामने उनके प्रतिरूप प्रस्तुत किए जाए। जैसे हमने कहा कि कुतुब मीनार को हम अगर विद्यार्थियों को पढ़ाना चाह रहे हैं कि कुतुब मीनार वास्तुगत दृष्टि से किस तरह का या स्थापत्य की दृष्टि से कैसा बना हुआ है उसमें, तो हम अब जरूरी नहीं है कि हम बालक को कुतुब मीनार तक ले जा पाए या दिल्ली तक हम ले जा पाए, तो हम इसका एक मॉडल विद्यार्थियों के सामने बनाकर प्रस्तुत कर सकते हैं कि कुतुब मीनार इस प्रकार का बना हुआ है। तो यानी कि हम इसके जितने भी संदर्भिक हैं प्रतिरूप हैं उनको हम कक्षा में प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरा, तीसरी बात हम जब करते हैं वो चर्चा या वाद विवाद के माध्यम से, कि बालक जब पुस्तकालय से सूचनाओं को एकत्रित करता है तो उनकी हर बालक अपने स्तर पर उसको एकत्रित करके लाएगा और फिर कक्षा में वो सूचना आपस में चर्चा करेंगे, वाद विवाद करेंगे, जिसमें कि मैंने कुछ अलग सूचना एकत्रित की होगी, हो सकता है मेरे साथ वाले छात्र ने सूचना अलग एकत्रित की होगी, तो जब वो दो सूचना मिलती है तो वो एक पूर्णता की तरफ पहुंचती है। तो यहाँ पर एक प्रमाणों के आधार पर हम वहाँ पर चर्चा करते हैं, वाद विवाद करते हैं और किसी लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। यानी कि स्रोतों का जब हम स्रोत विधि का विद्यालय में या कक्षा में प्रयोग करते हैं तो पहले तो बालक को समस्या से सुझाव समस्या बता दी जाती है या कोई टॉपिक बता दिया जाता है कि अमुक के बारे में हमको जानकारी एकत्रित करनी है, तो बालक उससे संबंधित पुस्तकालय में जितने भी संदर्भ ग्रंथ हैं उनके माध्यम से सूचना एकत्रित करेगा, या फिर बालक को चार्ट, मॉडल या आदि के माध्यम से प्रदर्शित करके उसके बारे में जानकारी, उसकी सूचना एकत्रित करने को कहा समझाया जाएगा, या फिर चर्चा या वाद विवाद के माध्यम से बालक अपनी ज्ञान को अर्जित करेगा, क्योंकि स्रोतों के माध्यम उसको पढ़ेगा, देखेगा और उसके आधार पर फिर वो चर्चा करेगा। जब हम ये बात कर रहे हैं तो स्रोत विधि, जब हम एक भिन्न अलग सामान्य से हटकर दैनिक उस शिक्षण में जिस विधि का उपयोग करते हैं उससे हटकर जब हम किसी विधि का उपयोग कर रहे हैं तो कब करेंगे, जब हमें उसमें कोई ना कोई फायदा या लाभ नजर आता होगा तो ही हम उसका उपयोग करेंगे। तो इतिहास शिक्षण के स्रोत विधि के जो लाभों की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली बात आती है कि प्रमाणों के द्वारा पहचाना, यानी कि किसी भी चीज को पहचानने के लिए बालक प्रमाणों को देखेगा, प्रमाणों के आधार पर एक निश्चित पहचान स्थापित करने की एक क्षमता उसमें विकसित हो पाएगी। दूसरी बात है परीक्षण, तुलना या विश्लेषण का प्रशिक्षण, यानी कि बालक किसी चीज का परीक्षण कर तुलना या विश्लेषण करने का प्रशिक्षण प्राप्त है, क्योंकि जब बालक के सामने स्रोत रख दिया जाता है कि अब इसका पूर्ण अध्ययन कीजिए तो बालक अपने ज्ञान या आपस में अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर या सामने जो दिखाई दे रहा वो संदर्भ ग्रंथों के माध्यम में जो लिखा गया है उनका आपस में उसकी तुलना करेगा, जांच करेगा, विश्लेषण करेगा और किसी नतीजे पर पहुंचेगा। यानी कि इसके प्रशिक्षण के लिए स्रोत विधि बहुत अच्छी विधि है, जिससे कि बालक किसी भी बात, केवल इतिहास से संबंधित ही नहीं है, स्रोतों से संबंधित ही नहीं है, किसी भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में तुलना करके, विश्लेषण करके, परीक्षण, तुलना और विश्लेषण के माध्यम से वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रशिक्षण उसे प्राप्त होता है। फिर मानसिक शक्तियों का विकास, क्योंकि यहाँ पर बालक अपनी मानसिक रूप से एक्सरसाइज उसकी होती है, क्योंकि स्रोतों के बारे में स्वयं उसे अध्ययन, बालक को स्रोत सामने रखा गया है वो उसके बारे में स्वयं अध्ययन करेगा, उसको देखेगा और जो उसको बताया गया था उससे उसकी तुलना करेगा, तो ये जब तुलना करेगा तब
से बहुत सारे प्रश्न आएंगे, बहुत सारी समस्याएं आएंगी, स्वयं उसका समाधान ढूंढेगा, यानी कि उसकी मानसिक रूप से पूरी तरह से एक्सरसाइज होती है। तीसरी बात आती है विषय वस्तु के को समृद्ध बनाना, यानी कि स्रोत के माध्यम से जब प्रमाणिक तथ्य सामने उपलब्ध है तो विषय वस्तु को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं। संग्रह करने की क्षमता का विकास, क्योंकि जब हम स्रोतों की बात करते हैं तो हम बालक को मूल स्रोत तो बालक ना नहीं सकता, तो हम उसको कह सकते हैं कि वे तो उसके जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के आहार में प्राप्त अवशेषों के बारे में आप से संबंधित चित्रों को संकलित करके लेके आइए, दिल्ली में प्राप्त है उसके बाद लोथल में प्राप्त उसके आप अवशेषों के चित्र संकलित करके लेके आए, यानी कि बालक में संग्रह या संकलन करने की क्षमता का विकास होता है, यानी कि किसी एक विषय या प्रकरण से संबंधित जितनी भी सूचनाएं उनको कैसे संकलित किया जाता है, संग्रह किया जाता है, इसकी क्षमता का विकास होता है। स्वाध्याय की प्रवृत्ति ऑब्वियसली जब बालक को स्रोत सामने रखा गया है, समस्या सामने दी गई है, उसके बारे में उसे सूचना एकत्रित करने को कहा जा रहा है, तो बालक स्वयं अध्ययन कर रहा है तो उसकी स्वाध्याय की क्षमता का विकास होता है। फिर बाद में शोध कार्य में रुचि, क्योंकि उसे खोज, क्योंकि स्रोत विधि में सबसे मूल बात है कि इसमें खोज होती है, भले स्रोत सामने है लेकिन उसके बारे में अध्ययन करना भी एक तरह से शोध है, तो बालक की शोध की प्रवृत्ति का विकास होता है। जब हमने इतने गुणों के आधार पर जब हम इसको उपयोग कर सकते हैं तो हमें कुछ सावधानियां या कि इसमें कुछ ऐसी हानियां भी हैं कि इसके अगर उनको ध्यान में रखकर प्लानिंग न की जाए तो आपकी स्रोत विधि की असफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसके हानियां जो हैं, स्रोत विधि पर आधारित उन पुस्तकों का मिलना बहुत कठिन है जिसमें कि समस्त स्रोतों को संकलित किया गया हो, यानी कि समस्त जानकारी उसकी उस पुस्तक में हो, ऐसी कोई भी पुस्तक हमारे पास उपलब्ध नहीं है। फिर इस विधि के क्योंकि बालक को स्वयं अध्ययन करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं, स्रोतों को खोजना होता है, उसका अध्ययन करना होता है, तो ऐसे में समय अधिक लगने का अधिक लगता है। दूसरी बात है स्रोत ग्रंथ विभिन्न जितने भी स्रोत ग्रंथ हैं वो आवश्यक नहीं है कि उसी भाषा में लिखे गए हों, जिस भाषा में विद्यार्थी जो भाषा विद्यार्थी को आती अलग अलग भाषाओं में लिखे गए हैं, तो हर बालक को हर भाषा नहीं आती है। ऐसे में बालक के लिए अपने अनजान भाषा के माध्यम अनजान भाषा को पढ़ना और उससे सूचनाओं को एकत्रित करना संभव नहीं है। उसके बाद में आता है अनुभवी शिक्षकों की कमी, यानी कि स्रोत विधि का उपयोग करना भी एक अपने आप में चुनौती है, जिसमें शिक्षक का अनुभवी होना अनिवार्य है, और अगर शिक्षक अनुभवी नहीं है तो वो उसका सफलतापूर्वक उपयोग नहीं कर सकता है। तो ये विधि छोटी कक्षाओं के बालकों के लिए कतई उपयोगी नहीं है, ये विधि उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के लिए ही उपयोगी है कि जिनका के शिक्षात्मक अनुभव, यानी कि जिनके पास अनुभव की एक संकुल या अनुभव उनका भंडार है, वो बालक उस इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। जिनमें ज्ञान का अभी भंडार या ज्ञान की कमी है, उन बालकों के लिए यह विधि कतई उपयोगी नहीं है। तो आपको आशा करती हूँ कि स्रोत विधि समझ में आई होगी, स्रोत विधि क्या है और इसके लाभ और हानि क्या है। अब आपको प्रश्न ये करना है कि इतिहास शिक्षण में को प्रभावी बनाने में स्रोत विधि पर चर्चा। धन्यवाद।